अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हो लाइक बटन दबा देना, क्योंकि आपका लाइक ही आपका प्यार शो करता है और आपका प्यार जो हमें मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर सस्ती शायरी आपको पसंद आती तो प्लीज़ सबके सब अभी से लाइक बटन दबा देना। अर्ज़ किया है कि बड़े कद वाले घोड़े हैं, छोटे कद वाले खोते हैं। वाह 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 वाह, पांच बार वाह वाह बोलना है। बड़े कद वाले घोड़े हैं, छोटे कद वाले खोते हैं। आज की दुनिया में दोस्त कम सांप ज़्यादा होते हैं। सस्ती शायरी लेकिन महंगे अल्फाज विद अनोनिमस। तो लाइक बटन ठोक दो अगर पसंद आई तो। गाइस हम जो है ना आज ट्रोल करने वाले हैं एनिमिस को, तो ट्रोलिंग हमारी शुरू होती है यहाँ से। बस हम ट्रोल करेंगे क्योंकि थोड़ा लो लेवल प्लेयर्स आ देते हैं इस आईडी में। तो इन भाई ने जब तक गन नहीं उठाई हमने इसको नहीं मारा, उसको भाई को डाउन किया। फिनिश करेंगे बम पे गोलियां मारी। और अभी कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनको हम बोलेंगे कि आप अंधेरे में जा रहे हो, आपका पाँव गोबर में पड़े और आपको वहाँ पे पाँव धोने के लिए पानी भी ना मिले। यहाँ पे भाई मुझे नजर आया, इनको तो हमने फौरन से किया डाउन। यहाँ हमने ट्रोल नहीं की। गैस ट्रोल करने के लिए ना आपको सही सा एक एनिमी ढूंढना होता है जो आपको फनी सीन्स अपने एनोनिमस के पब्लिक के लिए लाइक दे दे। अब मुझे ऐसा एनिमी ढूंढना था जो मुझे काफ़ी फनी सीन दे मेरी एनोनिमस के पब्लिक के लिए। तो ये भाई उसमें से थोड़े से अच्छे सीन दे रहे थे। देखो आह सर जी वाह, लूटो लूटो, इतना लूटूंगा कि जाने दो। अच्छी लाइन नहीं बन रही थी, बेइज्जती हो गई। इतना लूटूंगा, हाँ भाई लूट ले आ गया, हमारे पास कोई अच्छी लाइन नहीं थी, बेइज्जती हो गई। तो गाइस ये बंदे के पीछे पीछे मैं घूम रहा था। एक्सटेंडेड मैग मिला, ग्रेनेड मिला जो हमें चाहिए, शुक्र है वेस्ट भी मिल गई, हेलमेट हमारे पास है नहीं। तब छत पे गया था बंदा, छत पे घूम रहा था। पहले मैंने उसका साउंड लिया अच्छे से कि कहाँ है, देख रहे थे पहले साउंड लेते हैं, फिर मैं ऊपर जाकर देखने लगा कि भैया वेयर आर यू, अच्छा चू वेयर आर यू। कमेंट करके बताओ कौन से गाने की कॉपी कर रहा था मैं। तो यहाँ पे बस इस भाई को ज़्यादा मैंने वो नहीं किया ट्रोल, क्योंकि ये करीब आ रहे थे और ऐसे कोई हरकतें भी नहीं कर रहे थे कि ज़्यादा देर तक इनको ट्रोल किया जा सके। यहाँ पे भाई को नॉक एंड फिनिश किया। अब हम अगले बंदे को ढूंढेंगे जिसको ट्रोल कर सकें। अब यहाँ पे एक रियल एक बॉट है गाइस, ये वाला रियल है। ओके सामने जो है आपको लग रहा होगा बॉट है, अब ये रियल वाला बॉट को मार रहा है। बैक स्किन देखो, वाह वाह वाह। और भाई अभी गाना लगाएंगे, पीछे पीछे ठुर दिया फेम मजकल, सटारा विच ने मजकल। ये भाई जो जिन्होंने बॉट मारा इन्होंने लगाया होगा गाना, तेरे कर के साढ़े गाने नहीं चल दे, नू बुलंदे मेरे ते बले मज। ये तो भाई गलती से नॉक हो गया मुझसे, लॉल पीछे पीछे सारा फेम खराब हो गया। अब मैंने अपने पीछे बॉट भैया आ गए थे तो हमने उनको भी नॉक किया। अब ये भाई मुझे थोड़े से फनी लग रहे हैं, ये इंतजार हो रहा है बूस्ट मार लेते क्योंकि मेरी हेल्थ कम है। वो देखो आहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पे, भाई छत पे मजे से घूम रहे हैं। तो हमने फैसला किया भाई के पीछे जाने का। भाई गाइस पता है बहुत ही कम बंदे ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी देर तक ट्रोल हो जाते हैं, वरना ज़्यादातर तो ऐसे नहीं होते। दरवाज़ा खोला, आहा मेरे सामने वाली खिड़की में एक बॉट का बच्चा रहता है। नेट निकाला तो भैया भाग गए, मॉली निकाली थी सॉरी, लेकिन भैया भागें। आहा आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और पीछे पीछे टूर दिया फेम के अलावा कौन सा गाना लगाना चाहिए गाइस, यहाँ पे कमेंट करके बताओ। मैं भी कोई सोचता हूँ। नहीं अब मेरे और कोई गाना जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग एक कमेंट करके गाना बताना। भैया जा रहे हैं दूसरे भैया को मारने, तो हमने दुड़की लगाई इनके पीछे जाने का फैसला किया कि जाके देखेंगे पीछे पीछे फेम कैसे टूर रही है। बॉट भैया को मारते हुए भैया और हमने इनके पीछे फिर दुड़की लगाई। अब एक बंदा राइट में था एक लेफ्ट में था, मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गंदी मौत मरूं मैं यहाँ पे। तो मैंने फिर एक साइड पे जाने का फैसला किया, अभी नहीं किया अब किया। और मुझे नींद आ रही है क्योंकि सुबह के 4 बजने वाले हैं। गैस मैं आ गया था बड़ी वाली बिल्डिंग की टॉप पे, ताकि यहाँ से मैं एक बार देख सकूँगा कि बंदे कितने हैं, वरना एक को ट्रोल करने के चक्कर में मेरी बैंड बच जाएगी। यहाँ पर आया ये भाई साहब नज़र आए तो मैंने इनको नॉक किया और ये नॉक करते ही फिनिश ही हो जाएंगे बस। अभी दो बंदे सामने आ चुके हैं और ये दोनों उसके टीममेट बिल्कुल नहीं है जो नॉक है। अभी दोनों जब जहाँ दो बंदे नजर आए वहाँ ट्रोल करने में मज़ा आता है, लेकिन एक को आप बार बार नॉक करते रहो तो वो ट्रोलिंग बड़े मज़े की हो जाती है। पहले मैं देख रहा था कि बंदे हैं कैसे, ट्रोल करने वाले हैं या नहीं है, बट लग रहे थे कि हाँ इनको ट्रोल किया जा सकता है। उस बंदे ने मुझे देखा तो मैंने एक को नॉक किया, उसने जब तक मारा कान के पास से गोली गुजरी। ये पिंक कम नज़र आ रही है बट गाइस पिंक हाई ही है, अभी इशू चल रहा है।
तो पिंग हाई ही है। मैं अंदर गया, अब यहाँ पे ट्रोल करने का वक्त था इन भैया को। एक नेट निकाला, मुझे लग रहा था इतनी देर तक वो रिवाइव हो जाएगा तो नेट से मेरा एक ना एक बंदा फट जाएगा, बट हमें क्या पता था कि हमारा नेट इतना घटिया है कि एक बंदा नहीं फटने वाला। बेइज्जती सी हो गई नेट करने से। आए हाय हाय हाय, तो हमने इस बार दूसरे टीममेट को नॉक किया, पहले दूसरे वाले को किया था, दूसरे वाले को किया और बंदा नीचे जंप कर चुका है और इसको रिवाइव देने आ ही नहीं रहा। और ये बोलेगा भाई हमने भी तो तुमको रिवाइव दिया था, जब हमने रिवाइव दिया था मुश्किल वक्त में हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे ही दोस्त होते हैं जिनमें हमने सस्ती शरीफ रही थी। वैसे भैया ने तो ये तो नंगा हो गया था, कपड़े उतार दिए पत्थर के पास और मज़े से वहाँ पे गनमैन छोड़ के बेचारा लेटा हुआ। अब ये बोल लोगा अनॉनिमस भैया ने सस्ती शरीफ सुनाई थी ना नुबड़े, वो तेरे ऊपर बैठती है, रिवाइव देने नहीं आ रहा, मैंने भी तो तुझे खुली हवा में छत के ऊपर रिवाइव दिया था। लेकिन नहीं भाई, इसका टीममेट तो इसकी सुन ही नहीं रहा। एस्टेल की स्किन है भाई बंदे के पास, वो पता नहीं आ क्यों नहीं रहा था, इतना डर गया था कि क्या सीन है बेचारा। नॉक तड़प रहा है लेकिन नहीं भाई रिवाइव तो देना ही नहीं है। और ये अपने टीममेट को हाजा हाजा करके इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा होगा ना, वो आ रहा है। आह आइए आपका इंतजार था, लैग हो रहा है वो बंदा। नीचे कहीं पे आया गाइस पता नहीं चला, बट बॉट भैया आ गए तो हमने बॉट भैया को मारना था ट्रोलिंग जारी रखने के लिए, तो बॉट भैया को मार दिया। उसके बाद हम नीचे चले गए और वो रिवाइव दे रहे थे आई गैस। ओ वो रिवाइव हो रहे हैं, एक गए यहाँ रिवाइव हो, दोबारा से मैंने नॉक कर दिया तो भैया बड़े गुस्से में आ गए होंगे, कहाँ से मारा कौन है भाई, मेरे को लगता भूत आ गया, ऐसे कोई बातें चल रही होगी उनकी। ये बोलेंगे हाजा हैकर हैकर ही इज मारिंग वन बुलेट नॉक करिंग, और ये तो रिवाइव नहीं दे रहा। ओहो गाइस नेड हो रहा है, चेक करो पीले कच्चे वाले। और वो दूसरा बोल रहा होगा अल्लाह तुझे उठा ले, पीले कच्चे वाले अल्लाह तुझे उठा ले, ऐसा कुछ चल रहा होगा। और यहाँ पे मैंने फिर से नॉक कर दिया, वो पीले वाले को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया गाइस, बाहर निकल गया, हर तरफ देख रहा है कहाँ से पड़ रही है गोलियाँ, नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ के रिवाइव दे रहा, ओके हा 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 वाह वाह वाह, कितने गंदे बम हैं भाई आपके, तौबा 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 तौबा। ये मरा ही नहीं, दो चार गोली लगी थी वो मर ही नहीं रहा, कितनी गंदा एम है मेरा लॉल। ये मेरा पिंग हाई हो गया, ओके फाइनली नॉक हुए वो रिपीलिया वाले भैया गए। अब इनके बम हमें नहीं देखने भाई, बड़े गंदे बम हैं, और इनके पीछे इन्होंने ऐसा कुछ स्मोक कर दी ना बम के अंदर से तो काम ख़राब हो जाएगा, तो हम आगे नहीं जा रहे और उनका रिवाइव होने का वेट कर रहे हैं। हा 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 हा, वो देख रहे नॉक जो है ना गाइस वो थोड़ा समझदार है और पीले वाला इतना समझदार नहीं है, तो वो जो था ना वेट कर रहा था कि अच्छी जगह चला जाऊँ, उसको पता कि मैं नॉक कर रहा हूँ लेकिन पीले वाले को नहीं पता था। यहाँ पे पीले वाला देख लेगा आई गाइस। आह हा हा हा, कैसे बम घुमा रहा है, ओके रिवाइव होते होते मर गया। तो उसके बाद मैंने पीले वाले को छोड़ दिया गाइस, पता मेरा दिल नहीं था इस बंदे को मारने का, वो क्योंकि दूसरे वाला थोड़ा तेज था, ये बहुत ही सादा था तो मैंने इसको मारा नहीं, बट मैं अपने आप को बचाना चाहता था इसलिए मैं बार बार पीछे देख रहा था कि आ तो नहीं रहा। लेकिन हमने इन भैया को कुछ नहीं कहा, हम निकल के जोन की तरफ और यहाँ पे हील किया। लेकिन एक मैं पीछे नज़र रख रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे बम में गोलियाँ मार दे और हमारी बैंड बच जाए और हम मौत के मुँह में चले जाएँ वापस बिना आए, तो इसलिए मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश करता। ये तो बॉट भैया हैं, द बंदा इस सामने यू देखिंग इज बॉट, ये भाई मुझे नज़र नहीं आए। हमने इनको मारा, बॉट बड़ी जल्दी मर गया क्योंकि इनकी हेल्थ आजकल कम कर दिया। डैमेज के पॉइंट्स मिलते हैं ना गाइस, अगर आपको नहीं पता डैमेज ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो पबजी वाले ने ना बॉट की जो मतलब बॉट का डैमेज कम कर दिया, अब दो चार गोलियों में बॉट मर जाता है और आप कम से कम डैमेज दे पाते हो, उसकी वजह से पॉइंट्स भी कम मिलते हैं। अब यहाँ पे आखिरी बंदा बचा था जिसको हमने थोड़ा सा ट्रोल करने का फैसला किया क्योंकि बाकी बंदे जोन से नॉक हो गए फिनिश हो गए थे, और वो सामने ब्रोकन वॉल पे था। मैंने ड्रॉप लूट लिया था, मेरे पास लेवल 3 था, बूस्टर वगैरह भी थे और सॉरी मेरा मेड किट थी, मैं हेल्थ फुल कर रहा था और अब था टाइम सिर्फ आखिरी बंदे को ट्रोल करने का, थोड़ी सी मस्ती करने का। जंप वंप कर रहा था कि भैया हम इधर हैं, हमने अपने जिस्म के ऊपर घास लपेट रखा है, आइए हमसे लड़िए। बट हमारे भैया जो है ना वो आराम से वहाँ दरख्त के पीछे सॉरी दीवार के पीछे बैठे थे। और गाइस यहाँ पे ना मेरे साथ ओ वाला सीन होगा, देखना यहाँ पर आए पेन किलर उठा, अब हम छत पे चढ़ रहे हैं, देखना अभी हम छत पे चढ़ेंगे, देखना अभी हम छत पे चढ़ेंगे। ओ ओ मतलब रास्ता ही बंद कर दिया, बेइज्जती सी हो गई है। तो वो भाग रहे बंदा पीछे, तो जब वो पीछे भागा तो मैंने भी फिर आगे जाने का फैसला किया
और अभी पता नहीं वो कैम करके कहाँ बैठा होगा, लाइक उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, बट शायद अभी एडिट कर रहा हूँ तो मुझे नजर आ जाए। आप देख के बताना कि आपने उसको कहाँ देखा, मुझे लगा वो छत पे चला गया, ठीक है, यहाँ से मैं उसके पीछे पीछे गया और अभी देखना गोलियाँ पड़ जाएंगी। नज़र तो मुझे भी नहीं आया, अगर आपको पता चला कि वो कहाँ बैठा था तो कॉमेंट में बताना ज़रूर। और वो देखो, आय हाय, वाह वाह वाह, वो बच्चा याद आ गया मुझे, शायरी वाला, आपने देख ही रखी होंगी उसकी मीम्स, आय हाय, वाह 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 वाह। थोड़ी और गंदी शायरी सुनाता हूँ, मैंने हरे कपड़े पहन रखे हैं, वाह 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 वाह, एनिमी ने मल्टाई कपड़े पहन रखे हैं, वाह वाह वाह। क्या हो गया मुझे, लॉल, ओके इग्नोर माय बकवास। यहाँ पे बस मैं इसके सामने आ गया था तो मुझे मारना पड़ा और फिर हमने बैंड बजा दी भाई की। अब एक गेम प्ले में हमें पता है आपका कुछ होने नहीं वाला, तो दूसरा ट्रोलिंग एक गेम प्ले शुरू किया हमने, और इसमें तो हमारे साथ इतना गंदा हुआ ना, मतलब वो बंदा जिसने लाइक नहीं किया था उसका पाँव गोबर में पड़ गया था, उसके साथ भी कम गंदा हुआ होगा जितना गंदा हुआ इस गेम में हुआ था। आपको तो बड़ी हंसी आने वाली है, लेकिन हमें बिल्कुल हंसी नहीं आई थी, हमें वो वाली फीलिंग आई थी, ओ अभी जो बंदा है ना गाइस, बड़े फनी तरीके से मरने वाला है। छत पे उतरा, इसको गन मिली नहीं छत से, हालांकि छत पे गन थी तो मैंने यहाँ अकल इस्तेमाल की साइड पर आया, और यहाँ से मैं देखने लगा बंदा कहाँ है, अंदर लूट रहा था इसी वाले फ्लोर पे, वो देखो लेफ्ट पर आया, अब भागेगा राइट पे, और मैं यहाँ से अंदर चला गया फिर, और उसके बाद बाबा जी पिंग हाई थी, 3 बार हुआ, पहली बार मारा वापस गया, दूसरी बार मारा वापस गया, तीसरी बार आके उसको मारा, शुक्र उसके बाद पिस्टल थी और इतनी गोलियां में ना बंदा आराम से मर जाता, लेकिन भाई पिंग शो कम कर रहा है हाई तो मतलब मर नहीं रहा था वो, और मैं मरूंगा भी कुछ ऐसे इस गेम में। आप देखने से बड़ा गंदा, नंगू भैया आप क्यों पैंपर पहन के अपने जिस्म पर धूप लगवा रहे हैं, क्या क्या नहीं होता, अगर आप ऐसे सिर्फ कच्चा पहन के छत पर आके अपने जिस्म पर धूप लगवाओगे तो एनिमीज़ की गंदी गोलियाँ, वो लोगों की गंदी नज़र होती है, हम बोलेंगे एनिमीज़ की गंदी गोलियाँ आपके जिस्म पर छाटा करके पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने इन दोनों बंदों को किया फिनिश, वो किल भी चुराया भाई का, और यहाँ पे ट्रोलिंग की दास्तान आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो पहले ऊपर आके M4 उठाई, क्योंकि M4 तो भाई लव है ना, M4 को नहीं छोड़ा जा सकता, आप कुछ भी छोड़ सकते हो लेकिन M4 ना M4 नहीं छोड़ेंगे। ये भाई हमें नज़र आया जो कि पहले मुझे लगा बॉट है, बट भाई रियल थे। ऐसे देखो गाइस, जो होती है पिंग हाई, आपको दिखा रहे हैं 152, ठीक है, मैं कवर में बैठा उसके बाद मुझे पड़ी, तो पिंग मैं समझ गया था हाई है, मेरी बेइज्जती होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, और लाइक ब्रोंज पे होंगे प्लेयर्स, कुछ कुछ होंगे सिल्वर पे गोल्ड पे, और मैं उनसे मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। जम की पैन निकाला ठा करके एक पैन लगाया और भाई मर गए, तो ये हमने पैन से मारा भाई को। उसके बाद हमें इंतज़ार है अपनी उस नेक्स्ट एनिमी का जो आपका और हमारा मनोरंजन करेंगी। वैसे लाइक दिल से रिस्पेक्ट है इन प्लेयर्स के लिए जो ट्राई करते हैं एटलीस्ट, और मैं जो ट्रोल करता हूँ जस्ट आप लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट है इनके लिए, ये बेशक नूब हैं, बट एक टाइम था हम भी ऐसे खेलते थे, तो ये लोग बहुत ही आगे जाएंगे टाइम के साथ साथ, बट अभी हम सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसे करते हैं। पहले मुझे लगा गाइस सामने वाला ना बॉट है, बट ये बॉट नहीं था, और ये मैंने 2 शॉट मारी, बट शायद इसने ना हेल्थ वेल्थ नहीं पूरी की होगी, ज़हरा नाम है तो मतलब फीमेल प्लेयर है, तो उसने हेल्थ पूरी नहीं की होगी, 2 गोली में नॉक, और अब इसका टीममेट आ रहा है, मैं तेरे को बचाएगा, मतलब ये तो दूर से ही आएगा, लड़की ना कोई ना, लड़का होता तो भाई लूट करते, हम नहीं आ रहे, लड़की है तो दूर से भागता आया, मुझे नहीं चाहिए लूट, तुम ज़रूरी हो, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मरने दूंगा, आ गया उसको बचाने के लिए, नो बड़ा आराम से लूट, अगर कोई लड़का होता तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, आ जाए, लड़की थी तो दूर से भाग के आएंगे। फिर से नॉक कर दिया, और मतलब इस बंदे पे कौन सा गाना बनता है, ओके मतलब समझ लो ये इसकी बेगम है, ठीक है, तो यहाँ पे गाना बनता है, गर्मियों में आते हैं आम ये जोरू का गुलाम, गर्मियों में आते हैं आम ये जोरू का गुलाम, कितना अच्छा गाना बनाया, सस्ता गाना विद एनोनिमस बाबा जी। तो गाइस उसके बाद मैं देख रहा था कि जैसे ही रिवाइव हो जाए दोबारा जाकर नॉक किया जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले ओके, तो वो बंदा घूम रहा है रिवाइव नहीं दे रहा, नहीं मतलब क्या, तो हमने यहाँ पे थोड़ा तंग वंग किया, ट्रोल किया, हमने और कोई डांस वाली मोड नहीं थी तो जो थे वो यूज कर लिया, आ गया आहा, मैं तेरे को बचाएगा, पापा की परी को मामा का लाडला बचा रहा है, लॉल
पापा की परी को मम्मा का लाडला बचा रहा है और फिर रिवाइव छोड़ के भाग गया ऐसे, ये ब्लॉक करेगी मैं बता रहा हूँ भाई, रिवाइव दे दे ये गेम प्ले के बाद ना, इस वीडियो के इस गेम के बाद जाकर तो सबसे पहले ब्लॉक करेगी और लिखेगी वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ले मर गई वो, अब भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको मैसेज करेगी वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये आपको भाई बोल देगी, अब आपकी आपका कट गया भाई, आपने बड़ा गलत किया, रिवाइव नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर मैंने मुक्का मारा भागा, लेकिन इस बंदे ने ना अपनी क्रश का बदला ले लिया, ये देखो, और अनॉनिमस भैया इस भाई से मर गए, बड़ा ख़राब लगा। तो गाइस उसके बाद हम आ गए TDM में, क्योंकि TDM में हम चलाने आजकल चला रहे हैं M24 जॉब को, बहुत पसंद आई। सर जी हमने तो आपको देखा नहीं है, हम वहाँ बैठ के डब्बे के पीछे हमारे टीममेट को मार रहे, 2 किल हो गए थे गाइस हमारे में, काफ़ी छोटा कर दिया TDM, ये हो गए हमारे 3 किल, खोपड़ी में गोली मारी, ये अभी अपना बम भी हम ज़मीन पर घिसेंगे। सर दिखाइए मुंडी, ये लगी 4 किलो गए, ये लगी 5 किलो गए, ये लगी 6 किलो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने मिस कर दिया, ये लगी बेस्ती हो गई, ये लगी नहीं लगी, ये लगी ओके 7 किलो गए, रीलोड फौरन से लेट गया गाइस हम बच गया, और ये लगी 8 किलो गए, ओ मिस हो गई, बेस्ती सी हो गई, कोई बात नहीं, ये लगी 9 किलो गए, नाइस 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 नाइस, गिली गिली चुमिया सारी एनिमीज को, ये पेंट वाले भैया को मारा, और ये आ गए थे चिट्टे कच्चे वाले भैया, इनको बॉडी शॉट लगा, ये लगे चिट्टे कच्चे वाले भैया की बैंड, और ये हमारे कान के नीचे लगा, और हमारी बॉडी जो है ना वेक्टर जो है ना वो गंदी सा नीचे गिरा। हमने यहाँ पे गैस 12 किल कर लिए, 26 हमारे हैं, और 12 हमारे टीममेट्स के थे, और सॉरी एनिमीज के थे, 13 किल हमारे हो गए, अब सिर्फ 5 किल चाहिए। मैं M24 यूज़ कर रहा था, तो M24 में ना थोड़े किल्स कम निकालते हो, मेरे सारे टीममेट AR यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ओके ओके गाइस ये वाला मज़े का था, है ना। आप बताना आपका M24 का कौन सा किल फेवरेट था इस वाले गेम प्ले में, आप कमेंट करके बताना, सारे सारे जॉब को फेवरेट लगे टाइम के हिसाब से, रीलोड लगे तो हमारी ज़िंदगी खतरे में आगे वापस भागे बाबा जी, कोई बात नहीं रीलोड करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। ये लगी 16 किल, यहाँ पे हमें जो है ना विक्टोरी नहीं मिलेगी गाइस, ओके मिलेगी विक्टोरी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करने के बाद बताना कमेंट्स में, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ जल्दी जल्दी, लाइक किया करो वीडियो ताकि ट्रेंडिंग में जाए, शेयर किया करो जल्दी से 1 मिलियन करवा दो प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना गाइस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, व्लॉग्स भी आपका भाई बना रहा है, तो आप जाके हमारी शक्ल और हमारी बकवास और हमारी सस्ते व्लॉग देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में चैनल होगा या आप सर्च कर सकते हो अनॉनिमस 360। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।